स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर सिरसा के सामान्य अस्पताल में 3 बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई हैं। मशीन में सभी कर्मचारियों के चेहरे और अंगूठे के निशान के नमूने डाले जा रहे हैं। अब कर्मचारियों को हाजिरी लगाने के लिए मशीन के सामने खड़ा होकर अंगूठा लगाना होगा। गौरतलब है कि पूर्व में कर्मचारी देरी से यहां आते थे और हाजिरी रजिस्टर में निश्चित समय की हाजिरी लगा देते थे। अस्पताल में 3 जगह मशीन लगाई गई है। अभी कर्मचारियों से संबंधित डाटा और सॉफ्टवेयर मशीन में डाले जा रहे हैं। उम्मीद है कि जनवरी के पहले सप्ताह में मशीनें काम करना शुरू कर देंगी। उसमें हमने 3 बायोमेट्रिक मशीनें इंस्टॉल करी है, जिसमें थंब रीडिंग और फेस रीडिंग दोनों सम्मिलित हैं, और हमारे स्टाफ को हमने निर्देश दिए हैं कि उस समय पर आना सुनिश्चित करें और समय पर जाना सुनिश्चित करें, ताकि मरीजों की देखभाल हम समुचित तरीके से कर सकें, कहीं ऐसा ना हो कि मरीज यहाँ पे बिना अटेंडेंट चला जाए ना। जैसे आप आएंगे सुबह, तो इसमें 2 तरीके का है, या तो आपका फेस या फिर अंगूठा लगा सकते हैं, या उसमें आपकी फेस की पिक्चर आ जाती है, या दोनों ही हो सकता है, फेस और अंगूठा दोनों साथ लग सकता है। तो वो लग के ना उसमें टाइम नोट हो जाएगा, आप कितने बजे आए हो और आप कितने बजे जा रहे हो, तब फिर से आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा इसमें। तो इससे आपकी पता लग जाएगा कि कौन कर्मचारी कितने बजे आ रहा है। इंडिया 24 के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।